मॉर्निंग वाला ऑप्शन। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा थर्ड चैप्टर जो चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आई थिंक वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन जो हमारा चैप्टर है थर्ड जो हमारा चल रहा है उसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो एक बार आप देखो कैसे क्या कर रखा है इसने। इसने ये कहा है कि जो फिफ्थ क्वेश्चन है ए बी सी आई थिंक थ्री पार्टनर्स दे रखे हैं और उनको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो 3:2:1 में मिलेगा ए बी सी थ्री पार्टनर्स को। दे डिसाइडेड टू टेक डी इन पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2007 आई थिंक 1 अप्रैल 2017। तो उन्होंने ये डिस्कस किया कि डी हमें पार्टनर्स को लेते हैं जो अपना 1/4 शेयर लेके आ रहा है। कौन? डी। डी कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो 1/4 शेयर लेके आ रहा है। इसके बाद फॉर दिस पर्पज इस उद्देश्य के लिए गुडविल इज टू वैल्यू ऑफ 3 times एवरेज एनुअल प्रॉफिट फॉर प्रोविजन फॉर 4 years और 5 years विच एवर इज हायर। अब ये कहना चाह रहा है कि इस उद्देश्य के लिए कि जो गुडविल होगी 3 times होगी। आई थिंक नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दे रखा है? 3 year दे रखा है। किसकी 3 times होगी? एवरेज प्रॉफिट की। कौन से एवरेज प्रॉफिट की? प्रीवियस 4 years या 5 years या तो 4 साल का होगा या 5 साल का। बट विच एवर इज हायर, पर उन दोनों में जो 4 year का जो एवरेज प्रॉफिट होगा या 5 year का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उनमें से जो हाई होगा जो ज्यादा होगा उस पर वो गुडविल पुट होगी। आई थिंक द एग्री प्रॉफिट फॉर गुडविल पर्पस ऑफ पास्ट की 5 years ये कह रहा है कि इसमें जो पास्ट के 5 years की गुडविल दे रखी है और 4 year की गुडविल दे रखी है। तो हमने फाइंड आउट कर भी रखा है। अगर हम ये कहें कि 4 year की गुडविल कैसे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे तो हमने क्या कर रखा है, इसमें 5 साल की गुडविल इसमें सॉरी 5 years की प्रॉफिट दे रखी है। अगर हम 4 year की प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा जो 1st year का जो प्रॉफिट होगा वो हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है 2013 से स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रॉफिट और हमारा 17 को क्लोज हो रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे कितने ईयर हो रहे हैं, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 year हो रहे हैं। बट ये तो 5 year की प्रॉफिट निकाला है एवरेज प्रॉफिट हमें। अगर 4th year का एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो स्टार्टिंग का ईयर हमने नहीं लगाना इस टाइप के क्वेश्चन में। तो स्टार्टिंग का ईयर नहीं लगाएंगे तो 14th year से हम स्टार्ट करेंगे 14, 15, 16, 17। अच्छा हम देखें काउंट करके तो 1st, 2nd, 3rd, 4th तो यहाँ 4 साल के हो चुके हैं। तो अब इसमें हमने ये करने के बाद हमें ये देखना है कि किसका प्रॉफिट एवरेज मैक्सिमम है। तो हमने आई थिंक ऐसे करना है कि कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने 4 year का एवरेज प्रॉफिट निकालना और 5 year का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जैसा क्वेश्चन में गिवन डेट है 31 मार्च 2014 को जो प्रॉफिट है क्वेश्चन में दे रखे हैं कि सारी चीजें क्वेश्चन में दे रखी है। प्रॉफिट 2013 से लेकर 17 तक का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन डेट है। तो अगर मैं 4 year का एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा तो मैं 14 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग का ईयर नहीं लूंगा। अगर 4 year का निकालूंगा तो 2014 का 120 मेरा प्रॉफिट दे रखा है एंड 31 मार्च 2015 का 1,50,000 दे रखा है। ऐसे 16 का दे रखा है 1,10,000 एंड 17 का दे रखा है 2 lakhs। अगर मैं इसको ऐड करूं 4 year का तो मेरा जो प्रॉफिट आता है टोटल प्रॉफिट है यहाँ पे आप इसको प्रॉफिट कर लेना। ये हमारा सारा जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट कर देंगे जो भी टीपी मीन्स टोटल प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट जो सम किया के सारे ही प्रॉफिट है तो हमारा सम कितना है 580,000। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा तो इसको एवरेज प्रॉफिट को फोर्थ में हम ए बी भी कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा तो टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर तो टोटल प्रॉफिट मेरा कितना है 580,000। नंबर ऑफ ईयर कितना है 1, 2, 3, 4 4 year 4 से मैंने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया 4 1 4 आई थिंक यहाँ पे आ गए 1 carry 6 18 4 4 16 आई थिंक 2 start आ गए क्योंकि 18 में से 16 गेट 2 बच गया 2 carry आ गए 20 4 5 20। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया है 4 year का 1,44,000 आया है। ऐसे ही इसने 5 year का दे रखा तो ये कह रहा है कि 4 year और 5 year में से जो हाईर प्रो एवरेज प्रॉफिट होगा उस पर हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे। तो 5 year में क्या दे रखा है कि 13 से स्टार्ट करें कॉमर्स से पता स्टार्टिंग से तो
फोर ईयर की बात कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग ईयर नहीं लगाएंगे, लास्ट की जो बच्चे हुए ईयर वो लगा देंगे, तो फोर ईयर का हो गया। अब फाइव ईयर का निकालेंगे तो जो कंप्लीट ईयर आ रहे हैं वो ही आएगा। अभी 13 से स्टार्ट करेंगे, 30 में 130 ये प्रॉफिट है हमारा, तो 13 से स्टार्ट करेंगे 130,000 प्रॉफिट है, 14 में 120 है, 31st मार्च 14 को ही, एंड 31st मार्च 15 को 2015 को 150,000 आ रहा है, 31st मार्च 2016 को 110,000 आ रहा है, एंड 31st मार्च 2017 को 2 lakh आ रहा है। ऐसे जब इनको मैंने सम किया 5 इयर्स का तो मेरा प्रॉफिट कितना आया, 710,000 आया। अगर मैं इसका एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा तो ये मेरा क्या है, टोटल प्रॉफिट आया है, टीपी मींस टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को मैं ए बी भी कर सकता हूं जैसे मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। तो टोटल प्रॉफिट अपॉन द नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा 710,000, नंबर ऑफ ईयर कितने 1 2 3 4 5 5 है, 5 से मैंने इसको डिवाइड किया, 5 इस साइड कितना गया 2 गया, 5 4 20 इस साइड कितना गया 2 गया, सॉरी 5 4 20 21 था ना यहां पे, क्योंकि 5 5 2 गया 21 हो गया, आई थिंक 5 4 20 1 बच गया, 1 इस साइड गया 10 ही होगी, तो कितना 10 5 2 10 बच कितनी गई 0 3 यानी 3 0 कर दिया। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया वो हमारा कितना है 5 इयर्स का, ये हमारा 5 इयर्स का प्रॉफिट सॉरी एवरेज प्रॉफिट आ गया है। ये जो हम करा है ये सारा ये हमारा क्या है 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट कितना है 140,000। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 4 ईयर या 5 ईयर में जो हायर एवरेज प्रॉफिट होगा उससे गुडविल फाइंड आउट होगी। हमने 4 ईयर से देखा 145,000 आया और 5 ईयर से देखा तो 142,000 आया, तो मैक्सिमम कॉमन सी बात 4 ईयर का है, तो इस 4 ईयर पे हमने गुडविल फाइंड आउट कर लिए। हमने गुडविल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज का दे रखी है हमें 3 टाइम्स दे रखी है, तो हम फाइंड आउट करेंगे गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट क्या है, क्योंकि मैक्सिमम ये आ रहा है 4 ईयर का, तो एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर की करेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है 3 ईयर दे रखा है 3 टाइम्स, उसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये मैंने वो चीजें लिखी जो मैंने और अंदर भी बोली है कि 4 ईयर प्रॉफिट इज हायर देन 5 ईयर प्रॉफिट, तो 5 ईयर प्रॉफिट की अपेक्षा 4 ईयर प्रॉफिट अधिक है, तो मतलब इसलिए मैंने 145,000 इनटू 3 करा, क्योंकि 3 हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज है, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन किया तो 30 30 35 15 34 12 एंड 113 एंड 3 3 एंड 1 कैरी थ्रू 4, तो मेरा जो गुडविल फाइंड आउट हुआ वो मेरा कितना आया 435,000। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही 6 क्वेश्चन है, 6 सेम ऐसा कि ऐसा है, उसमें ये नहीं दे रखा कि आपने 4 ईयर या 5 ईयर के निकालने, कंप्लीटली ईयर का निकालना है उसमें, बट उसमें एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि उसमें जो 2013 में जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है वो एक बार हम देख लेते हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि इसमें हमारा जो प्रॉफिट दे रखा है 5 ईयर का दे रखा है, वो आप देख लेना लॉस है उसको लेस कर दे रहे, क्योंकि 2015 में जो 6 क्वेश्चन है उसमें 20,000 का लॉस दे रखा है, वो लेस कर रहे हैं। बट एक्चुअली में 1 अक्टूबर 2016 को कंप्यूटर कॉस्ट थी 40,000 में खरीदा गया था वो कंप्यूटर, एंड डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसिव अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन 25%, और उस कंप्यूटर पर 25% क्या लगा दिया गया डेप्रिसिएशन, मतलब कि डिस्काउंट या फिर डेप्रिसिएशन का चार्ज लगा दिया गया, क्योंकि हमारा कब लगाया गया या कब लिया गया 1 अक्टूबर को लिया गया। अब 1 अक्टूबर को कहा गया है 2016, 1 अक्टूबर 2016, तो ये हमारा ऑलरेडी 70 में इंक्लूड हो चुका है, क्यों, क्योंकि हमारा 31 मार्च 16 को क्लोज हो गया अकाउंट, और ऐसे ही 1 अप्रैल 2016 की बात करें तो हमारा यहाँ पे 17 का ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो ऑलरेडी कहाँ चल जाएगा 1 अक्टूबर 2016 1 मार्च 2017 के ईयर में शामिल हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी दे रखा है लोन 31 मार्च 2017 कब लिया गया था, ये हमें लिया था 1 अक्टूबर 2016 को, तो 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2017 के अगर मंथ काउंट करें हमारा 6 मंथ होते हैं, तो 40,000 का लिया था, हमने ये देखना कि डेप्रिसिएशन हमारा कितना लगा और बचा हुआ, क्योंकि हमने खरीद लिया था, पास्ट की बात कर रहे हैं,
खरीद लिया था तो ऑलरेडी उस 2017 के प्रॉफिट में शामिल हमने करना है जो हमें अभी नहीं किया है। तो 40,000 इंटू में 24 25 अपॉन 100 डेप्रिसिएशन दे रखा है 25% इंटू 6 अपॉन 12 बिकॉज 6 मंथ का लगाना है। 1 अक्टूबर 2017 को लिया था, 31 मार्च 2017 तो हमने 1 अक्टूबर 2016 को दिया था और 31 मार्च 2017 तक हमें दिखाना है। तो 6 अपॉन 12 आ जाएगा 6 मंथ का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2017 तक का काउंट करेंगे तो उसके बाद 2020 कैंसिल हो जाएगी। 6 1 6 6 2 2 12 2 1 2 2 2 4 और 2020 कैंसिल हो गई। यहाँ पर 200 आ गए, 200 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये डेप्रिसिएशन था बिकॉज 40,000 की चीज थी, 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो अब कितने की मिलेगी हमें, हमें मिलेगी 35,000 की। 35,000 की आ गई तो हमें ये प्रॉफिट हुआ है। 35,000 में कितने का, 35,000 का हुआ था जो हमने 2017 में अभी नहीं लिखा है। तो 2017 में अगर मैं बात करूं 2017 की 6% जो हमारा प्रॉफिट था वो हमारा 1,85,000। अब और हमें कितना मिला है, 35,000 और मिला है क्योंकि 40,000 की चीज थी, 5,000 हमारा डेप्रिसिएशन था तो 40 में 5 गया तो कितना बच गया 35,000 वो हमें प्रॉफिट हुआ है। तो वो हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं 0,0,0,0,2 and 2। हाँ यही आया, एक बार देख लेते हैं 35,000 है तो 0,0,1,85,000 है 0, एक बार देखते हैं कितना दे देते हैं इसका, सॉरी 1,85,000 है 0,0,0,3,0 में 5,5,10 की 0, उसके बाद ये हमारा 3 एंड ये हमारा कितना आया 11,2,12,1 and 2 और 2,20,000 हमारा 17 का 31st March 2017 का प्रॉफिट आया है। तो उसके बाद आप क्वेश्चन कर ही लोगे, तो इसमें आपने जो करना है सिक्स क्वेश्चन हमने हम कर रहे हैं, ये जो मैंने इसका जो ये 2017 का प्रॉफिट निकाला 2,20,000 और इसको फिर आप ऐड करके इसमें 5 ईयर का दे रखा है और जो लॉस है वो लेस कर देना और 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नंबर ऑफ ईयर पर सिर्फ 3 ईयर दे रखा है उससे मल्टीप्लिकेशन कर देना और ऐसे फिर गुडविल फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था, आगे वो और क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। ओके सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो 7th है। तो 7th जो क्वेश्चन है वो इजी है, बस थोड़ा सा एक जो कैलकुलेशंस है वो वेट किया जाती है। उसमें जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमें क्या करना है, वेट होगा आई थिंक जो ईयर है उनका दे रखा हुआ काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो वो पॉइंट मैं इसके थ्रू एक क्वेश्चन में तो आपको समझा देता हूँ कि उसमें क्या है। ऑलरेडी सब कुछ वही चलेगा, सिर्फ नंबर ऑफ ईयर को उस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना होता है और उस नंबर को फिर जोड़ना होता है। मैं आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन में 7th को। तो 8th क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको आई थिंक 4th क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, सेम वही है लेकिन मैं आपको करा देता हूँ। इसमें जो भी आपकी अबनॉर्मल इनकम होगी ऐसा अगर आय वो आपकी लेस होगी और जो कि आपका अबनॉर्मल लॉस होगा वो क्या होगा ऐड। अच्छा अबनॉर्मल लॉस मीन्स ऐसा अगर हानि। जब हम क्वेश्चन देखते हैं 8th क्वेश्चन है आई थिंक 3 साल के कुछ प्रॉफिट दे रखे 13, 14 and 15। तो प्रॉफिट 2013 का जो दे रखा है वो 40,000 दे रखा है और 14 का जो दे रखा है प्रॉफिट 50,000 दे रखा है एंड 2015 का जो प्रॉफिट दे रखा है वो 60,000 दे रखा है। अब ये कहना चाह रहा है ये कि 2014 में नॉन रिकवरिंग इनकम ऑफ 1,000 इज इंक्लूडिंग इन प्रॉफिट फॉर 2014। ये कह रहा है कि 2014 में हमें एक ऐसी आय प्राप्त हुई जो बार बार नहीं हो रही थी। आई थिंक हम उसको यही कहेंगे, जो बार बार नहीं होने वाली आय अगर आपको प्राप्त हो जाती है तो हमारी अब नॉर्मल इनकम कहलाती है। क्या कहलाती है, अब नॉर्मल इनकम। थ्री जो इसमें दे रखा है नॉन रिकवरिंग, मतलब जो बार बार प्राप्त आपको नहीं हो रही है और आपको प्राप्त हो जाती है। अगर एग्जाम्पल ये मैं कहूँ आपको बार बार थोड़ी पैसे मिलेंगे कहीं, अगर आप घूमते घूमते कहीं जा रहे हो कहीं लोटरी पे पैसे लगा रखा, सट्टे पे कहीं पैसा लगा रखा है तो जरूरी थोड़ी आपको रोजाना ही पैसा मिलेगा। तो आई थिंक बार बार आप लगा रहे हो और कभी कभी आपको मिल जाएगा,
तो उसको हम क्या कहेंगे, अब नॉर्मल इनकम। तो वही है, नॉन रिकरिंग का मतलब ये कि बार बार ना होने वाली है, आय अगर आपको मिल जाती है तो हमारी अबनॉर्मल इनकम कहलाती है। कब? 2014 की बात कर रहा है तो वो लेस कर देंगे 14 में से, क्योंकि हमारी क्या अबनॉर्मल इनकम है। आई थिंक मैं तो 13 की बात कर नहीं 14 की 15 की सॉरी नहीं 13 की नहीं 15 की, सिर्फ ये कह रहा है कि नॉन रिकवरिंग जो इनकम है वो हमें 14 में प्राप्त हो रही है, तो 14 में से क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। कि जैसे है वैसे के वैसे यहाँ पे आ जाएंगे। आई थिंक यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 40,000 यहाँ से मैंने 15 में से 1,000 लेस किया, 49,000 या 60,000। उसके बाद ये कह रहा है कि मुझे 2013 में 6,000 लाभ कम मिले। आई थिंक मैं कह रहा हूँ कि 2013 में हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये कह रहा है 2013 में जो मुझे लाभ हुआ वो 6,000 कम हुआ, उसका क्या रीजन बता रहा है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर गुड्स। इसका मतलब उसका माल जो था आग के कारण जल गया। अगर हमें पता होता कि हमारे जो गोदाम है, कारखाना है, गोडाउन है, उसमें आग लगेगी तो हम ऑलरेडी सावधान हो जाते और अपने जो गुड्स या माल उसको सेव कर लेते, पर हमें नहीं पता था और सडनली आग लग गई, तो ये हमारी क्या क्या लगती है, अबनॉर्मल लॉस। और अबनॉर्मल लॉस हमारे क्या होता है, ऐड होता है। ये कब कौन से ईयर की कह रहा है, 2013 की कह रहा है। तो ऐड अबनॉर्मल लॉस मैंने रीजन लिख दिया है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। 2013 की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 13 में ही दिखाएंगे, 13 में कितना था 40,000, नहीं 14 की बात की नहीं 15, तो इसमें डैश डैश कर देंगे, जिस ईयर की कह रहे हैं उस ईयर की दिखाएंगे। तो 40,000 प्लस 6,000 46,000, ये 49,000 यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा 49,000 या 49,000 का जाएगा, 60,000 या 60 कुछ भी नहीं है इनका, तो 60,000 आएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं आगे जो कहना चाह रहा है, गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। ये कह रहा है कि गुड्स का बीमा नहीं करा रखा था, बट भविष्य में बीमा मिलने की, इंश्योरेंस प्रीमियम मिलने की उनको उम्मीद थी। तो अब हमें आपको पता है इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए क्या होती है, एक इनकम होती है। अगर आपका माल जल जाता है, कुछ और हो जाता है और आपको उसका इंश्योरेंस करा रखा है, तो आपको क्या मिलेगा, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम, और वो आपके लिए क्या होती है, एक इनकम। आई थिंक अबनॉर्मल इनकम, तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम को। गुड्स किसके लिए कर रखा था, माल के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम कर रखा था, और वो पैसे आपको मिल गए जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो इसमें ईयर नहीं दे रखा, इसमें आई थिंक ईयर नहीं दे रखा, पर ईयर कह रहा है कि 400 इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट 400 पर ईयर। पर ईयर का मतलब ऑलरेडी सभी सालों में वो लगेगा, कोई ईयर नहीं दे रखा, पर ईयर दे रखा है, तो 13, 14, 15 सब में लगेगा। लेस अबनॉर्मल इनकम इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर गुड्स, आई थिंक 400 कह रहा है, सॉरी 400 ये प्रीमियम दे रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर, तो सभी साल पे लगेगा, चाहे 13 हो चाहे 14 हो चाहे 15। हमने लेस कर दिया इसमें से 400, इसमें से भी कर दिया, इसमें से भी कर दिया, क्योंकि इसमें किसी भी ईयर का दे नहीं रखा। तो 46,000 में से 400 गया तो 45,600, 49,000 में से, क्योंकि अब यहाँ पे क्लोज हो चुका है, इसका जो भी आया है यहाँ से जो आया था यहाँ पे, अब वो यहाँ आ गया है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ क्लोज होता जाता है, ध्यान रखना सर। तो यहाँ से लेस किया 49,000 में से, तो हमारा जो आया है 400 लेस करने का 48,600 आ गया, यहाँ 60,000 में से 400 लेस किया तो 59,600 आ गया। ऐसे ही आगे जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि रीजनेबल रिम्यूनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर्स ऑफ बिजनेस इज 6,000 पर ईयर। वही पर ईयर की बात आ गई, बट इसमें ये नहीं कह रहा है कौन से ईयर, पर ईयर की बात कर रहा है तो सारे सालों पे लगेगा ये। बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू द अकाउंट ऑफ कैलकुलेशन अबाउट द मेंशन प्रॉफिट। अब ये कहना चाह रहा है कि किसानों को, व्यवसाय के स्वामी को, सॉरी किसान कह रहा हूँ, व्यवसाय के स्वामी जो बिजनेस का ओनर होगा उसने, उसको मुआवजा मिला, मुआवजा आपको पता है पारिश्रमिक, जिसको रिम्यूनरेशन कहते हैं, वो पारिश्रमिक मिला 6,000 प्रतिवर्ष, जिसे उपयुक्त लाभ निकालने के लिए प्रयोग नहीं किया गया, जिसे एज ए प्रॉफिट के लिए प्रयोग नहीं किया गया, पर हमें रिम्यूनरेशन मिला, अच्छा पारिश्रमिक मिला जो हमारे लिए क्या है, इनकम है, जो जिसकी हमें उम्मीद थी ही नहीं वो हमें मिल गई, पारिश्रमिक मीन्स
रिम्यूनरेशंस जिसको कहते हैं इनकम, तो वो अबनॉर्मल इनकम थी वो हमारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। पर ईयर कह रहे हैं तो हर ईयर में से वो लेस होगी 6,000 6,000 6,000। तो ये पॉइंट है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो पर ईयर की बात करो सब ईयर में लेस कर देंगे, 45,600 में से 6,000 गया तो ये बच गया हमारा, 39,600 आएगा लेस होने के बाद, 48,600 में से 6,000 लेस किया तो 42,600 आया, 59,600 में से 6,000 लेस किया तो 53,600 आया। उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि 2015 को 2015 को इनकम हो गई है, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट पे, आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आपको क्या भी इनकम हो गई, वो ऐसे प्रॉफिट होगा, ये भी हमारा क्या आएगा, अबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, अबनॉर्मल इनकम होगी, ऐसे इन्वेस्टमेंट में अगर आपको कोई इनकम मिल रही है तो अबनॉर्मल इनकम होगा यहाँ पे। और अबनॉर्मल इनकम हमारी क्या होती है आपको पता है, लेस होती है। कौन सी ईयर की बात करें, 2015 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 15 कह रहे हैं तो 15 में से हम इसको लेस कर देंगे, तो हमने वो लेस करी, ये जो पॉइंट है ये इसका है, इसका। तो 15 की बात कर रहे हैं तो इस 13-14 में कुछ नहीं आएगा, 15 में कर देंगे तो ये तो सेम आ जाएगा, अभी 5,000 लेस के लिए इनकम और इन्वेस्टमेंट 5,000 है तो 53,600 में से 5,000 लेस किया तो हमारा क्या आएगा, ये 5 है, 5,000 लेस के तो मेरे कितना है, 48,600 आया, तो ये आया मेरा टोटल प्रॉफिट। आई थिंक 13 में हमारा प्रॉफिट आया 39,600, 14 में 42,600 एंड 15 में 48,600। अभी क्वेश्चन हमारा थोड़ा बच रहा है, उसमें हम बताएंगे कि 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है, ओके। सो जो आगे उसके बाद हमारा जो हमने अभी किया था उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा उसी क्वेश्चन का, अब हमें क्या कर रहा है, मैंने आपसे कहा था कि 7 क्वेश्चन रिलेटेड 8 क्वेश्चन से है, वो 7 क्वेश्चन इस प्रकार होगा, कैसे, हमने अपना प्रॉफिट यहाँ पुट कर दिया, जो भी प्रॉफिट आया था 13 में हमारा प्रॉफिट क्या था, 39,600, 2014 में हमारा क्या था, 42,600 था एंड 15 में क्या था, 48,600 था, ये कुछ नहीं चल रहा था हमारा। अब जो वेट दे रखी है, वेट इसमें क्या दे रखी है आप देख सकते हो, नीचे दे रखी है, नीचे देखना वेट दे रखी है, अप्रोप्राइट वेट इज टू बी यूज और 2013 में 1 दे रखी है, 40 में 2 एंड 15 में 3। तो वेट को हमें क्या करना है, ईयर से मल्टीप्लिकेशन करना है, सेम टू सेम। अब 7 क्वेश्चन ऐसे होगा, उसमें वेट दे रखी थी, वेट ऐसे रखनी थी, रखनी है प्रॉफिट ऐसे रखना है, उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे 7 क्वेश्चन होगा। तो इसको जो प्रॉफिट आया 13 का उसको उसकी वेट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वेट क्या 13 की 1 से क्या हमारा ये आ गया, अब 14 के प्रॉफिट हमारा 42,600 है, इसको इसकी वेट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 से तो हमारा 85,200 आ जाएगा। इसके बाद 15 का जो प्रॉफिट दे रखा है 48,600 दे रखा है, इसको इसकी वेट 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वेट 3 से मल्टीप्लिकेशन किया इसको तो हमारा 14 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, कहने का मतलब ये है, ये हमारा आ गया यहाँ पे, इसका हम क्या करेंगे सम, ये इनका प्रोडक्ट था, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन किया हमारा प्रोडक्ट आ गया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, अब इनको सम करना है, इसको सम करना है और इस वेट को भी सम करना है। अब इसका जो सम आया है 270,600 आया है, इस वेट का जो सम आया है 1, 2, 3 टोटल कितना है 6 आ गया। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालनी, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वेट में अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना है निकालते हैं तो टोटल प्रॉफिट हमारा 270,000 आया है और जो वेट का एवरेज कितना है, तो वेट का जो टोटल है कितना 6, तो अगर वेट से एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं
हम टोटल 3 ईयर नहीं दिखाएंगे, वेट का जो टोटल आ रहा है उससे उसको डिवाइड करेंगे, टोटल कितना 6, 6 से आज टोटल प्रॉफिट है उसको उससे डिवाइड कर देंगे, 3 टू द 6 39 जा 27 एंड 0 टू 0 3 टू द 6 यहां पे आ रहे 90200, नीचे क्या 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8 वन कैरी 10 2 5 जा 10 2 1 जा 2 तो यहां कितना है हमारा एवरेज प्रॉफिट पेड से 45100। हमने गुडविल फाइंड आउट करनी है, आपको पता ही है गुडविल फाइंड आउट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ ईयर परचेस, एवरेज प्रॉफिट इनटू माय नंबर ऑफ ईयर परचेस हमारा कितना 2 ईयर है, तो 2 से एवरेज प्रॉफिट हमारा जो ये आया है 45100 को नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमारा जो गुडविल आएगा 90200 हमारा गुडविल आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाता है, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ओके, इसके बाद हमारा सुपर प्रॉफिट का जो क्वेश्चन आएंगे वो हम देखेंगे। ओके।